हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना लेक्चर है, इसमें अपने बात करेंगे ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। इससे पीछे जो लेक्चर था, उसमें हमने बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। और इस लेक्चर के अंदर भी हम बात करेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, जिसके अंदर अपने टाइप्स ऑफ गार्डन की बात करेंगे। और इसके में और भी अपना जो कंटेंट रहेगा, वो फीचर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी रहेंगे। तो जो अलग अलग टाइप के गार्डन हैं, उनके मेन मेन फीचर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू गार्डन की, हिंदू टाइप ऑफ गार्डन की बात करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि जैसे कामसूत्रा है, तो कामसूत्रा में जैसे हमने परमोध्यान की बात की थी, उद्यान की बात की थी, वृक्ष वाटिका की बात की थी, नंदवनम की बात की थी। तो ये हिंदू टाइप्स के गार्डन है। तो सबसे पहले अपने हिंदू टाइप के गार्डन में बात करते हैं राजवनम। राजवनम का मतलब क्या है? जो राजाओं के लिए पर्टिकुलर उद्यान बने हैं, उनको राजवनम कहा जाता है। तो राजवनम का मतलब क्या था? जैसे फॉरेस्ट एरिया, जो जंगल है, उसके अंदर झोपड़ी टाइप की बनी होती थी और उसमें राजा अपने खाली समय में जाता था और शिकार करने के उद्देश्य से जाता था। देखो, शिकार करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो रियल सेंस था, वो ये था कि राजा एकांत में, मतलब रिलैक्सेशन के लिए वहां पर जाता था। बाद में जैसे कामसूत्रा जो ग्रंथ है, इसमें राजवनम को चार भागों में बांटा गया था। जैसा कि हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, एक तो था परमोध्यान। परमोध्यान होता है, ये रानी के कक्ष के साथ जुड़ा होता है और ये रानी और राजा के लिए मतलब प्राइवेट एरिया होता है, वो दोनों यहाँ पर इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें उद्यान। उद्यान वो पार्ट होता है जिसमें राजा का जो खाली टाइम होता है, लेजर जो टाइम होता है, उसके अंदर वो जैसे चेस खेलना, चौपड़ खेलना, या फिर डांस देखना, या फिर म्यूजिक सुनना, इस तरह के जो मतलब कार्य यहाँ पे किए जाते हैं। तीसरा जो भाग होता है, वो होता है वृक्ष वाटिका। वृक्ष वाटिका वो एरिया होता है जहां पर राजा अपने मंत्रियों वगैरह के साथ बैठकर कोई प्लानिंग करता है, किसी तरह की डिस्कस करता है, तो उसको वृक्ष वाटिका कहा जाता है। और चौथा जो टाइप होता है वो नंदवनम। जैसा कि हमने पीछे के लेक्चर में बात की थी, नंदवनम है वो लॉर्ड कृष्णा के लिए डेडिकेट किया जाता है। तो ये राजवनम के टाइप है। नेक्स्ट है तपोवनम। देखो, तपोवनम नाम से ही पता लग जाता है, तपोवनम तप करने के लिए। ये साधु संतों के लिए था। इसमें क्या है कि जैसे जो साधु संत है, वो बैठ के मेडिटेशन करते हैं, मतलब ध्यान लगाते हैं और अपने ध्यान को प्रकृति के साथ जोड़ने का काम करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्पिरिचुअल जो मतलब प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, वो भी लगे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बात करूँ कि पनीर, जिसका अपने बोटानिकल नेम है गुटेडिया स्पेसिकोसा, उसके अलावा नेगलिनिकम जो है, उसका बोटानिकल नेम है कॉर्पिटा गुनेंसिस। उसके अलावा जैसे वैदिक ट्री, या फिर जिसको अपने फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट या फायर ऑफ फॉरेस्ट या किंग ऑफ फॉरेस्ट जिसको बोल देते हैं, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा या फिर ब्यूटिया फोरनटोसा। उसके अलावा पुनाई, पुनाई का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है केलोफिलम इनोफिलम। उसके बाद सनबैंकम, सनबैंकम का बॉटनिकल नेम होता है मिचेलिया चंपाका। और उसके बाद बरगद यानी बनियान ट्री, जिसका बॉटनिकल नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। उसके अलावा फाइकस रिलो जैसा पीपल भी होता है इस एरिया में। उसके अलावा अपने बात करें कदम्बम, कदम्बम का बॉटनिकल नेम है न्यूकेलिया इडेमाबा। तो ये कुछ ट्री होते हैं जो तपोवनम में लगे होते हैं। नेक्स्ट, अगला जो टाइप्स ऑफ हिंदू गार्डन है वो है वृंदावनम। वृंदावनम ये मान के चलो कि ये तपोवनम का एडवांस वर्जन है, यानी इसका एडवांस रूप है। ये मतलब वो स्थान है जहां पर घोर आनंद है, यानी बहुत सारा आनंद में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो साधु संत लोग है, वो समाधि लेते हैं। एक तरह से समाधि लेने का मतलब इतना शानदार मेडिटेशन करते हैं कि उनका ध्यान प्रकृति के साथ इतना जुड़ जाता है कि वो एक तरह से अपनी जो फिजिकल बॉडी होती है उसको आत्मा छोड़ देती है। तो इसको अपने बोलते हैं निर्विकल्पा समाधि कहा जाता है। तो यहाँ पे निर्विकल्पा जो समाधि है वो ली जाती है। और यहाँ पर जो है मतलब कई पेड़ लगे होते हैं, उसके अलावा कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगे होते हैं जो मतलब इंजॉय को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। अब इस तरह के जो वृंदावनम है वो अपने भारत में जैसे अरविंद आश्रम पौंडुचेरी के अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा मंत्रालय ऑफ राघवेंद्रा है, उसके अलावा रमनम, और उसके अलावा शेषधरी वृंदावनम, ये तिरुनावेन्नमलाई के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये वृंदावनम हो गया। नेक्स्ट है नंदवनम। देखो, नंदवनम क्या होता है? जैसे गांव में मंदिर वगैरह होता है, टेम्पल वगैरह होता है, उसके पास छोटा जो गार्डन होता है उसको अपने नंदवनम बोलते हैं। यहाँ पे सिर्फ झाड़ियां लगी होती है, मतलब फूलों वाली झाड़ियां लगी होती है, जिनसे अपने फूल तोड़ के जो भी भगवान होते हैं, गॉड होते हैं, उनको ऑफर करते हैं।
जैसे यहाँ पर किस किस तरह की आपको झाड़ियां देखने को मिलती है, जैसे ट्यूबेरिना मोंटाना क्रोनाना, उसके अलावा हिबेस्कस, उसके अलावा टिकोमा, उसके अलावा नीरियम, उसके अलावा ओसिमम सेंकेंटम और उसके अलावा जैस्मिनम। तो ये कुछ जो झाड़ियां हैं ये इन नंदवनम में देखने को मिलती है या फिर जो मंदिर के पास गार्डन होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो ये हिंदू टाइप्स के गार्डन थे जो एनिशियंट यानी बहुत प्राचीन समय से ही चलते आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें इजिप्टियन गार्डन की, इजिप्ट यानी बोले तो मिस्र है ना, इजिप्टियन गार्डन। देखो जो इजिप्ट के लोग थे वो काफी मतलब कला के मतलब महारथी लोग थे और जो गार्डनिंग का काम करते थे। तो इजिप्ट के जो अपने संस्कृति देखने को मिलती है या फिर इजिप्ट में जो सभ्यता के विकास के अवशेष देखने को मिलते हैं नील नदी के आसपास, वहां पर गार्डनिंग के काफी सारे अवशेष देखने को मिलते हैं। देखो ये क्या करते थे, सिंपल फ्रूट है उनका ऑर्चार्ड लगाते थे, उसके अलावा वेजिटेबल गार्डन है वो लगाते थे, और इन जो गार्डन थे इनमें जो नील नदी है उसके द्वारा सिंचाई दी जाती थी। और जो ये मतलब मिस्र उस समय क्या था, मिस्र का एक स्वर्णिम काल था, ये लगभग 2009 से लगभग 1998 बीसी की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय ये लोग रिच थे, इनके यहाँ प्लेजर गार्डन थे जिसमें फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे, मतलब तालाब वगैरह गार्डन में बने होते थे, उसके अलावा एलिज ऑफ फ्रूट और सेट ट्री भी लगी होती थी, उसके अलावा जैसे टेम्पल है और जैसे प्राइवेट रेजिडेंस वगैरह है वहां पर इनके गार्डन देखने को मिलते थे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग मतलब इतने रिच थे या इतने लग्जरी जीवन जीने वाले थे कि उस समय भी इनका जो गार्डन था वो एक थोड़ा सिस्टमेटिक होता था और इनका एक अपना गार्डन होता था जिसके अंदर मतलब एक पर्टिकुलर टॉम बना होता था और ये क्या करते थे उस गार्डन के अंदर अपना इंजॉय करते थे। अब यहाँ पे नीचे देखो आप अपने बात करते हैं, जैसे ये फैनररी मॉडल ए द गार्डन डेटिंग टू द 11th डायनेस्टी ऑफ द इजिप्त क्रिस्का 2009 to 1998 BC मेट द पेंटेड एंड द गेसेड वुड ओरिजिनली फ्रॉम थीबेस, यानी ये इस तरह का वहां पे खुदाई पे देखने को मिला कि वहां पे इन्होंने लकड़ी का एक मॉडल बना रखा है, तो ये इस तरह के गार्डन डिजाइन करते थे। उसके अलावा जैसे यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर फिश पॉन्ड विद द डक एंड द लोटस प्लांटेड राउंड विद द डेट पाम एंड फ्रूट ट्री इन द फ्रिस्को फॉर्म टॉम ऑफ द निम्बेमम। 18वीं जो अपने बीसी थी उसके अंदर भी यहाँ पे एक जैसे ये पॉन्ड के अवशेष है जिसके अंदर जैसे बतख वगैरह पाली जाती थी और इसके पास जैसे डेट पाम वगैरह जो है वो इसके चारों ओर लगाए जाते थे। देखो ये तालाब है यहाँ पे, इसमें मछलियां हैं या फिर बतख वगैरह जो पाली जाती थी और इसके चारों ओर देखो फ्रूट ट्री लगे हैं। तो ये इस तरह की गार्डनिंग वहां पर देखने को मिलती थी। अब देखो जो इजिप्टियन लोग थे वो कौन कौन से प्लांट लगाते थे, जैसे डेट पाम खजूर, और उसके अलावा अपने बात करें तो ये जो लगाए जाते थे तो खजूर तो या तो फूड के पर्पस से या वाइन बनाने के लिए लगाए जाते थे। उसके अलावा जैसे पेर्सिया इंडिका ट्री है वो लगाया जाता था, और उसके अलावा जो अपने एवोकाडो फ्रूट है वो लगाया जाता था, उसके अलावा फाइकस साइकोमोरस है वो भी यहाँ पर लगाया जाता था, ये शेड के पर्पस से लगाया जाता था, छांव के उद्देश्य से लगाया जाता था, ये जनरली जो मंदिर वगैरह है उनके पास में देखने को मिलता था। उसके अलावा टेमरिस जो ट्री है वो भी मतलब छांव के उद्देश्य से लगाया जाता था, अकेशिया है ये भी लगाया जाता था, उसके अलावा अपने बात करें पोमग्रेनेट जो फ्रूट है वो भी लगाया जाता था, और ब्लू लोटस यानी जो नीला कमल है वो भी इजिप्टियन लोग लगाते थे, उसके अलावा जैसे साइपर्स पेपिरस है ये भी लोग लगाया करते थे और इसको अपने राइटिंग मटेरियल के अंदर काम में लिया जाता था। इसके अलावा इससे जैसे बोट वगैरह जैसे नाव वगैरह भी बनाने का काम किया जाता था। तो ये इजिप्ट टाइम के कुछ जो फेमस प्लांट थे वो लगाए जाते थे। अब उसके बाद अपने बात करें ग्रीक एंड रोमन गार्डन। देखो एक टाइम आया, पहले तो मैं ग्रीक की बात करता हूँ, ग्रीक जो लोग हैं वो मतलब अच्छे गार्डनर नहीं थे कभी भी, लेकिन फिर भी वो कुछ प्लांट है वो छाया के पर्पस से लगाते थे और कुछ प्लेजर गार्डन भी देखने को मिलते थे जिसके अंदर फ्लावर प्लांट्स वगैरह भी लगाए जाते थे। बाकी ये लोग हैं मतलब इतने ज्यादा मतलब बड़े आर्टिस्ट नहीं थे ग्रीक लोग थे, और ये जनरली क्या है बाग भी लगाते थे, वाइन यार्ड जैसे अंगूरों की खेती भी करते थे और सब्जियां भी लगाते थे, बाकी प्लेजर गार्डन में इतने आर्टिस्ट नहीं थे यानी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं रहे हैं ग्रीक लोग हैं जो। उसके बाद आया रोमन्स का टाइम। देखो एक टाइम ऐसा था कि ये समझ लो कि पूरे विश्व पर रोमन जो थे उनका एक दबदबा था
और रोमन थे वो मतलब पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रहे थे और इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी और ये लग्जरी गार्डन मतलब लगाते थे और ये मतलब किसी आर्ट को पकड़ने में भी टाइम नहीं लगाते थे, मतलब इनकी जो कला पकड़ने की क्षमता थी वो बहुत शानदार थी। और आपने नाम सुने होंगे जैसे अरिस्टोटल, अरस्तु और प्लेटो जैसे फिलोसोफर है वो इसी एरिया के हुए हैं, रोमन्स ही थे। तो रोमन्स का एक दबदबा था अपने टाइम में, एक ये दबदबा होने के पीछे इनका नॉलेज था, इनकी आर्ट थी और इनकी जो ताकत थी वो थी। तो अब हम रोमन गार्डन की बात करें, देखो इन्होंने जब इजिप्ट लोगों को हराया 30 BC के बाद, फिर रोमन्स इंट्रोड्यूस हुए और इन्होंने क्या है जो ईस्टर्न पूर्वी जो एरिया है उसकी जो गार्डनिंग का तरीका था उसको इन्होंने अपनाया। रोमन थे वो रिच थे, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, तो ये क्या करते थे अपने जैसे रेजिडेंस वगैरह थे उसके आसपास गार्डन अफोर्ड कर सकते थे, ये गार्डन बनाते थे और ये आर्ट के मास्टर थे, किसी आर्ट को पकड़ने में इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता था। और ये जो गार्डन बनाते थे उनके अंदर स्टेचू और मतलब जैसे मूर्तियां वगैरह है, स्टेचू वगैरह है उनको लगाते थे, इनके बड़े शौकीन थे, मतलब मूर्तियों से और जो स्कल्पचर वगैरह है उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। रोमन्स गार्डन्स वर द लेड आउट विद द हेज एंड वाइन्स, तो मतलब इनका जो गार्डन बना होता था उसमें हेज भी लगी होती थी, वाइन्स लगी होती थी और उसके अलावा बहुत सारे जो फ्लावर्स है मतलब पुष्पीय पौधे हैं वो इनके गार्डन में देखने को मिलते थे, जैसे एकेंथस है, कॉर्न फ्लावर्स है, कोरोकस है, साइलेमिन है, उसके अलावा हाइसिंथ है, इरिस है, इवी है, लेवेंडर है, लिलीज है, मिरेटल है, नर्सिसस है, पॉपी है, रोजमेरी है और वॉयलेट है, इस तरह के फ्लावर्स है वो इनके गार्डन में जनरली देखने को मिलते थे। उसके अलावा देखो इनका जो घर होता था उसके आसपास ये गार्डन बनाते थे, कंट्री यार्ड है उसमें भी ये गार्डन तैयार करवाते थे, जैसे इनका जो पोर्च बरामदा वगैरह होता था वहां पर ये गार्डन तैयार करवाते थे। उसके अलावा उस गार्डन में पुल वगैरह, फाउंटेन वगैरह, फुहारे वगैरह और वाटर पुल वगैरह भी ये मतलब लगाते थे। उसके अलावा जो फ्लावर बेड वगैरह है वो भी ये लगाते थे। उसके बाद अपने बात करें द रोमन कॉन्क्वर्ड ब्रिटेन, मतलब इन्होंने ब्रिटेन को जब हरा दिया था तब इनका एरिया काफी बड़ा हो गया था, यूरोप में जब ये प्रवेश कर गए थे तब इनका एरिया काफी बड़ा हो गया। फिर कुछ इनके गार्डन में और नए प्लांट इंट्रोड्यूस हुए जैसे रोज, गुलाब, उसके अलावा लीक, उसके अलावा टर्निप्स और उसके अलावा प्लम्स है वो भी इनके गार्डन में इंट्रोड्यूस हुए और उसके बाद धीरे धीरे कैबेज भी इनके गार्डन में इंट्रोड्यूस हुए। तो रोमन के टाइम में गार्डन का मतलब एक गोल्डन टाइम माना जाता है। देखो तो गार्डन था रोम जो गार्डन तैयार करवाते थे उसको एक मतलब शांति का क्षेत्र और एक एकांत का क्षेत्र मानते थे और मतलब जब वो गार्डन में आते थे या गार्डन जिस उद्देश्य से बनाया जाता था इसका मतलब था कि उन्होंने अर्बन एरिया को यानी भीड़ भाड़ वाले एरिया को एक बार त्याग दिया है और वो यहाँ शांति की लाइफ जीने आए हैं। और जो गार्डन था वहां पे अपने कुछ ऐसे मतलब चीजें थी या कुछ ऐसे ये कंपोनेंट्स रखते थे जो किसी न किसी चीज के लिए सिंबल होते थे और रिलीजियस पर्पस से भी ये मतलब कुछ कंपोनेंट यहाँ पर मेंशन करते थे। गार्डन के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स रखे जाते थे जो इनके मतलब धार्मिक महत्व को भी दर्शाने का काम करते थे। तो ये रोमन्स गार्डन की बात हुई। नेक्स्ट अपने बात करेंगे मुगल गार्डन। देखो मुगल गार्डन से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, लेकिन मुगल गार्डन से पहले अपने बात करेंगे पर्शियन गार्डन, क्योंकि मुगल गार्डन पर जो इन्फ्लुएंस देखने को मिला वो देखने को मिला पर्शियन गार्डन और इस्लामिक गार्डन का। वैसे तो मेनली पर्शियन गार्डन का ही इन्फ्लुएंस मुगल गार्डन पे है, मुगल गार्डन के बहुत सारे जो फीचर है वो पर्शियन गार्डन से लिए हैं, लेकिन पर्शियन गार्डन के बाद इस्लामिक गार्डन आए थे और इस्लामिक गार्डन के बाद मुगल गार्डन, यानी ये इस तरह से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। पर्शिया का मतलब है 1935 से पहले पर्शिया मतलब ईरान को पर्शिया कहा जाता था। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है अलेक्जेंडर है इजिप्ट वगैरह को हरा के जब ये इंडिया में पहुंचे थे तो इन्होंने धीरे धीरे गार्डन लगाना शुरू किया। देखो जो अपने पर्शिया पड़ता है वो पड़ता है पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी एशिया के अंदर पड़ता है और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है यानी सूखा क्लाइमेट है। और तो यहाँ पर जो गार्डन बनाए जाते हैं उनमें मतलब एरिड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स है वो रखे जाते हैं, जैसे बड़ी वॉल, बड़ी दीवारें रखी जाती है, शेडी प्लांट्स है वो रखे जाते हैं, तो ये इस तरह के इसमें फीचर रखे जाते हैं।
वैसे तो जैसे इजिप्ट के में यहाँ जो नील नदी चलती है उसके पास कुछ इरिगेटेड एरिया है, वहां पे जैसे मान लो कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगा लिए जाते हैं, कुछ दूसरे प्लांट्स लगा लिए जाते हैं, लेकिन मेनली इनके गार्डन के अंदर स्टडी प्लांट्स तो लगाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट लगाए जाते हैं। अब देखो जो अपने पर्शियन गार्डन है उसके अंदर क्या होता है कि सिंपली अपने बात करें जो वॉटरवे होता है उसको चार भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे ये देखिए आप, एक ये यहाँ पे, दो तीन चार, ये इस तरह से चार भागों में वॉटरवे होता है उसको डिवाइड किया जाता है। उसके अलावा अपने बात करें तो इसके अंदर एक स्मॉल जेट बनाया जाता है जिसके अंदर पानी गिरता है जिससे पानी का साउंड आता है। उसके अलावा इसमें फाउंटेन वगैरह भी लगाए जाते हैं जिससे गार्डन में क्या है, जैसे गर्मी का एरिया तो वहां पे गार्डन में ठंड रहेगी, पानी से भी ठंडकता रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा। तो ये गार्डन मतलब इसमें जो पानी है उसके चार सेक्शन बनाए जाते हैं, वॉटरवे होता है, बहता हुआ पानी दिखाया जाता है, एक जेट बनाया जाता है जिसके अंदर ऐसे साउंड क्रिएट होता रहता है, जो एक गार्डन का मुख्य फीचर माना जाता है पर्शियन गार्डन का। देखो जो पर्शियन गार्डन है उनके जो मेन फीचर है, सेंटर के अंदर वॉटरवे बनाया जाता है, उसको अपने बताया कि चार सेक्शन में बांटा जाता है और एक जेट बनाया जाता है जिसमें पानी गिरता है, पानी का साउंड आता रहता है। अब इसके जो मेन फीचर है उनकी अगर बात करें तो देखो, वाटर फॉर इरिगेशन, डिस्प्ले एंड साउंड, पानी इरिगेशन के लिए होता है, दिखाने के लिए होता है यानी सुंदर दिखाने के लिए, और साउंड क्रिएट करने के लिए होता है। उसके अलावा सेट ट्री लगाए जाते हैं, छायादार पेड़ लगाए जाते हैं, शेल्टर जो पौधे होते हैं वो लगाए जाते हैं। उसके अलावा जैसे फ्लावर्स है सेंटेड और कलर्ड फ्लावर लगाए जाते हैं, सुगंधित फूल और रंगीन फूल लगाए जाते हैं, और इस गार्डन के अंदर म्यूजिक भी चलाया जाता है जो अपने कानों को सुहाता है या कानों को अपने खुश करता है, यानी अच्छा जो म्यूजिक है वो भी पर्शियन गार्डन के अंदर चलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं पर्शियन गार्डन है, ये सेंटर में जो इसका मेन फीचर है वॉटर है, वॉटर के चार सेक्शन बने हुए हैं, दो तीन ये चार सेक्शन बने हुए हैं, फाउंटेन भी रखे जाते हैं इसके अंदर, ये अपने यहाँ पे प्लांट रखे जाते हैं, सैडी प्लांट भी रखते हैं, ये देखो ये नीचे सैडी प्लांट है, ये एज ए शेल्टर का भी काम करते हैं, एज ए सैडी प्लांट की तरह भी काम करते हैं, तो ये एक पर्शियन गार्डन है। नेक्स्ट है मुगल गार्डन। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है मुगल गार्डन जो है, इसके फीचर में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन जो है वो कब से स्टार्ट हुए, बाबर के काल से, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, फिर शाहजहां आए, फिर औरंगजेब आए, फिर बहादुर शाह, जफर वगैरह ना, तो इनके काल में बहुत सारा गार्डनिंग के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जो इनके गार्डन बने हुए मुगल टाइम के जो गार्डन बने हुए उनपे जो मेन इन्फ्लुएंस है देखने को मिलता है वो पर्शियन गार्डन का देखने को मिलता है, कुछ जैसे इंडो गार्डन है, कुछ इस्लामिक गार्डन है, उनका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखो मुगल जो है वो इरा स्टार्ट हुआ था अपने एक तरह से 1526 से लेकर 1857 तक मुगलों ने भारत में राज किया था, और इस दौरान बहुत सारे गार्डन डेवलप किए थे जैसे पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस भी किया था, जैसे हुमायूं ने एवेन्यू प्लांटिंग स्टार्ट की थी, अकबर ने गार्डन ऑफ फतेहपुर सिकरी आगरा के अंदर, उसके अलावा टॉम गार्डन सिकंदराबाद आगरा में विकसित किया था, जहांगीर ने शालीमार गार्डन अचलबाग और बेरियांग कश्मीर में, इतमाद उद दुल्हा आगरा के अंदर, दिलखुश गार्डन लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान में पड़ता है, शाहजहां है इसने शालीमार गार्डन लाहौर में बनवाया, ताजमहल और रेड फोर्ट आगरा के अंदर, और रेड फोर्ट दहली गार्डन रेड फोर्ट गार्डन दहली के अंदर बनवाया, औरंगजेब ने औरंगाबाद गार्डन बनवाया, और फतेह अली खान ने पिंजौर गार्डन पिंजौर के अंदर बनवाया। तो ये तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात की थी। तो नेक्स्ट जो गार्डन आते हैं वो मुगल गार्डन। देखो मुगल गार्डन के फीचर की अगर अपने बात करें तो गार्डन जो मुगल गार्डन थे वो सारे के सारे फॉर्मल स्टाइल के गार्डन थे। आगे के लेक्चर में अपने बात करेंगे कि फॉर्मल स्टाइल गार्डन क्या होता है। वैसे जनरली फॉर्मल यानी औपचारिक शैली, इसके अंदर सिमेट्रिकल जो प्लॉट है वो लिया जाता है, और जो प्लॉट होता है वो या तो रेक्टेंगुलर आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, और ये सारे के सारे जो गार्डन थे वो चार बाग डिजाइन पर थे। जैसे हमने पर्शियन गार्डन में बात की थी जो वॉटरवे होता है वो चार सेक्शन में बटा होता है, तो उस तरह का इसके अंदर डिजाइन होता है। और जो मुगल गार्डन होता है उसको अगर अपने सेंट्रल एक्सिस से देखा जाए तो सेंट्रल एक्सिस से उसको दो भागों में बांटा जाता है, और सेंट्रल एक्सिस हमेशा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ये दो भागों में बराबर के भागों में बंटता है और एक दूसरे की तरफ मिरर इफेक्ट देता है, यानी इधर जो कंपोनेंट रखे जाते हैं सेम वो दूसरी तरफ, लेफ्ट में जो कंपोनेंट रखेंगे वो सेम के सेम राइट के अंदर कंपोनेंट रखे जाते हैं,
और जो ये प्लॉट होता है ये चार सेक्शन चार भागों में बंटा हुआ होता है। जब आप लेआउट करोगे तो इस प्लॉट को चार भागों में बांट दिया जाता है। उसके अलावा जो सेंट्रल होता है, सेंट्रल एक्सिस होता है, वहां पे रनिंग वाटर रखा जाता है, यानी बहता हुआ पानी रखा जाता है, और सेंटर के अंदर एक बड़ा वाटर पूल भी रखा जा सकता है। उसके अलावा लास्ट के अंदर क्या होता है, एक बड़ी बिल्डिंग या फिर बरादरी रखी जाती है। क्या होती है बरादरी, अभी अपने डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो मुगल गार्डन होते हैं उसमें फाउंटेन यानी फुहारे होते हैं, कैस्केड होते हैं, और सेंटर के अंदर वाटर पूल भी देखने को मिलता है। तो ये जो मुगल गार्डन है उसके फीचर है। अब अपने इसके मेन जो फीचर है, साइलेंट फीचर है, उनकी बात करें तो सबसे पहले अपने बात करें कि साइट एंड स्टाइल ऑफ डिजाइन। देखो मुगल जो गार्डन है उनके लिए साइट का जो सिलेक्शन है वो हमेशा इस तरह से किया जाता है कि अगर उसके पास में कोई नेचुरल ब्यूटी है तो उसको भी इसमें ऐड किया जा सके। जैसे कोई रिवर है, कोई मतलब उसके अलावा मैं बात करूं कोई लेक है यानी नदी है, झील है, पहाड़ी है, तो उसके पास है वो मतलब इसका जो सिलेक्शन ऑफ साइट है, साइट का चुनाव किया जाता है, स्थान का चुनाव किया जाता है। जैसे आप ये देख सकते हो ये हिली एरिया के पास स्थान का चुनाव किया गया है। दूसरा, ये फॉर्मल टाइप का गार्डन होता है, औपचारिक शैली का गार्डन होता है, इसमें सिमेट्रिकल गार्डन होता है, यानी अगर आप इसको बीच में से भाग बांटोगे तो ये दो भागों में प्रॉपर बंट जाता है। या तो ये वर्गाकार होगा, ये आयताकार होगा, और इसके अंदर चार ब्लॉक बने होते हैं, यानी चार भागों में इसको बांटा जाता है, चार इक्वल प्रोपोर्शन में इसको बांटा जाता है। देखो आप इसको देख सकते हो। उसके बाद अपने बात करें, इसके चारों तरफ एक बड़ी दीवार होती है, बड़ी वॉल देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हो कौन से गार्डन में अपने, ये देखो ये पीछे एक बड़ी वॉल है, बड़ी वॉल है, उसके ऊपर कील लगे होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि राजा अगर इसके अंदर बैठा है तो कोई दुश्मन अटैक करे तो इसके ऊपर से चढ़ के फांद न पाए इस दीवार को। तो बड़ी जो वॉल होती है वो इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके अलावा गेट, इसका जो प्रवेश द्वार होता है वो काफी बड़ा होता है, साई टाइप का होता है, और भारी लकड़ी का इसमें गेट लगा होता है जिसपे बड़े बड़े नुकीले मतलब कील लगे होते हैं, जिससे दुश्मन होते हैं वो इसके अंदर ना घुस पाए और इसको तोड़ ना पाए। उसके बाद हम बात करें तो इसमें टेरेस बने होते हैं, ऐसे टेरेस बने होते हैं, या तो टेरेस होंगे सात, मतलब जो सात प्लेनेट है, जो सात ग्रह है उनको वो मतलब सिम्बलाइज करने का काम करते हैं, या फिर बने होंगे आठ, आठ जो कुरान के आठ भाग है उनको दर्शाने का काम करते हैं, या फिर बने होते हैं ये 14 बने होते हैं, जो 14 जो राशियां होती है उनको दर्शाने का काम करते हैं। उसके अलावा इसमें बना होता है केनाल और रनिंग वाटर, मतलब सेंटर में ये बहता हुआ पानी होगा, और सेंटर के अंदर सॉरी सेंट्रल जो एक्सिस है यानी जो बीच की लाइन है उसमें ये बहता हुआ पानी देखने को मिलेगा, और बीच में बड़ा वाटर पूल देखने को मिलेगा, और इस वाटर पूल में देखो फाउंटेन भी आपको देखने को मिलता है, फुहारा भी इसमें देखने को मिलता है। इसमें एक ऊंचे स्थान पर बरादरी बनी होती है, बरादरी का मतलब जिसके 12 दरवाजे होते हैं। आप देख सकते हो एक तरफ 3 दरवाजे हैं तो चारों तरफ मिलाकर कितने दरवाजे हो जाएंगे, 12 दरवाजे हो जाएंगे। तो 12 दरवाजों की जो बिल्डिंग होती है उसको अपने बरादरी कहा जाता है। तो इसमें बरादरी बनी होती है जिसके मतलब जिसके जो पिलर वगैरह होते हैं उसमें सुंदर पेंटिंग वगैरह की जाती है, और ये जो नीचे तला होता है इसके अंदर कालीन वगैरह बिछा होता है, इसमें राजा बैठ के चौपड़ वगैरह खेलना या फिर जैसे अपने जो मंत्री वगैरह हैं उनसे डिस्कस करने का काम करता है। उसके अलावा जैसे इसमें पेड़ लगे होते हैं, फ्लावरिंग बेड लगी होती है, उसके अलावा बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो वो इसके मुख्य फीचर होते हैं। टेरेस की अपने बात कर रहे थे तो ये इस तरह के टेरेस होते हैं अलग अलग हाइट पे, ये जैसे मैंने आपको बताया 7 है, 8 है, या फिर 12 है, या फिर ये 14 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें, अब जो मुगल गार्डन है उसके अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट है वो कौन कौन सी मतलब किस किन चीजों के लिए सिंबलाइज करते हैं, किन चीजों को दर्शाते हैं। जैसे वाटर है, ये सोर्स ऑफ लाइफ का सिंबल देता है, और क्रॉस एट द इंटरसेक्शन ऑफ द वाटर चैनल मीटिंग द ह्यूमिनिटी विथ गॉड। जैसे मान लो कि ये पानी का है बहता हुआ पानी, तो ये यहाँ पे बीच में जो क्रॉस करता है वो ये बताता है कि जो ह्यूमिनिटी है मानवता है वो भगवान के साथ मिलती है। 8 डिविजन्स जो होते हैं वो कुरान के 8 डिविजन को दर्शाते हैं, और अल्टरनेट प्लांटिंग ऑफ द साइपर्स एंड द फ्लावरिंग ट्रीज, मतलब जो फ्लावर ट्री है और जो साइपर्स है उनकी जो एकांतर प्लांटिंग है वो इमोर्टिलिटी यानी मतलब अमरता को और मतलब जीवन के नएपन को दर्शाता है।
और बहुनिया एल्बा जो है वो यंगनेस यानी युवापन को और जीवन को दर्शाने का काम करता है। तो ये मुगल गार्डन के अंदर वाटर है या फिर और जो कंपोनेंट है वो अलग अलग चीजों को सिंबलाइज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये मुगल गार्डन के कुछ साइलेंट फीचर है जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट है जो फीचर है वो। नेक्स्ट अपने बात करें जैपनीज गार्डन की, तो थोड़ी सी अपने हिस्ट्री की भी बात करते हैं जैपनीज गार्डन की। तो जैपनीज गार्डन 592 यानी 592 से लेकर 628 एडी के दौरान इंप्रेस जो स्वीटो का जो समय था, देखो इसमें जो जैपनीज गार्डन थे तो उसके अंदर रॉक्स, वाटर ट्री और प्लांट्स ये मेन कंपोनेंट्स हुआ करते थे। 640 से 794 एडी की बात करें नारिया जो समय था वो चाइनीज जो गार्डन थे उनसे इन्फ्लुएंस था, इससे इसमें नए जो कंपोनेंट आए वो बर्ड्स आए, एनिमल्स आए और फिश है वो आए। जैपनीज गार्डन वर्तमान में जैपनीज गार्डन देखोगे तो उसमें फिश एक मेजर कंपोनेंट में से एक है, मेजर फीचर में से एक है। 794 से 1185 एडी के दौरान देखें हेयान के समय में तो जो कोरियन आर्किटेक्चर थे उनसे जैपनीज गार्डन है वो काफी इन्फ्लुएंस थे। तो इससे क्या हुआ जैपनीज गार्डन में ओपन स्पेस बढ़ा और उसके अलावा जैसे पॉन्ड तालाब आया, आइसलैंड आया, हिली एरिया आया और स्ट्रीम ऑफ वाटर यानी पानी की बहती धारा ही नई चीजें ऐड हुई उसके अंदर। नेक्स्ट अपने बात करें 1185 से लेकर 1392 जो बुद्धिस्ट थे मतलब बुद्ध के जो मौकों थे उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुआ और फ्लेट गार्डन यानी जिसको हीरा निव्या बोला जाता है वो भी मतलब एक प्रचलन में आया था। उसके अलावा अपने बात करें 1603 से 1867 के दौरान, इसके इस समय क्या हुआ 1603 से 1867 के दौरान जो जैपनीज गार्डन थे उसमें बड़ी झील है वो आई और उस बड़ी झील के पास आइसलैंड, इस बड़ी झील के अंदर आइसलैंड और उसके आइसलैंड के चारों ओर जैसे पाथ वगैरह है तो ये ऐसे कंपोनेंट्स है वो धीरे धीरे जैपनीज गार्डन के अंदर जुड़ते गए। अब देखो जैपनीज गार्डन है इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है या मेन जो प्रिंसिपल है वो है नेचर इन मिनिएचर, मतलब जो लघु है सूक्ष्म है उसमें भी प्रकृति विद्यमान रहती है। और जो जैपनीज गार्डन बनाने का उद्देश्य होता है वो होता है पीसनेस और मेडिटेशन होता है। यहाँ पे फ्लावर्स जो कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, कलर्ड स्लिप वाले प्लांट्स होते हैं उनको मतलब दूर रखा जाता है। ये माना जाता है कि जो कलर्ड फ्लावर है या कलर्ड जो लीफ वाले प्लांट्स है वो लोगों का ध्यान भटकाते हैं या अपनी शांति को या मेडिटेशन से ध्यान भटकाने वाले होते हैं। और उसके अलावा अपने बात करें इसके मेन मेन फीचर कौन कौन से हैं, तो मेन फीचर है पॉन्ड। देखो जैपनीज गार्डन के मेन फीचर है वाटर एंड मैं बात करूं कि स्टोन्स, वाटर एंड स्टोन्स मेन फीचर होते हैं। वाटर होता है वो पोलाइटनेस को दर्शाता है और जो स्टोन होते हैं वो मतलब थोड़ा सा स्टिकनेस को या हार्डनेस को दर्शाते हैं। तो ये माना जाता है कि ये पानी, देखो पानी के अंदर स्टोन पड़े हुए, ये पानी के अंदर आपको स्टोन देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे ये एक मतलब हार्डनेस या कठोरता और जो सॉफ्टनेस है वो आपस में मिलते हैं, ये एक तरह से मैसेज दिया जाता है। अब देखो जो जैपनीज गार्डन है इसके जो फीचर है वो कौन कौन से है, पॉन्ड है, स्ट्रीम्स है, वॉटरफॉल यानी झरने हैं, फाउंटेन फुहारे हैं, वेल्स है, उसके अलावा आइसलैंड है, उसके अलावा ब्रिज यानी पुल है ये आपको देखने को मिल रहा होगा, स्टोन्स देखो ये बहुत सारे स्टोन्स पड़े हुए हैं अंदर, उसके अलावा स्टोन लेंटरल भी देखने को मिलेंगे आपको, उसके अलावा पेगोडा, पेगोडा क्या होता है अभी बताते हैं, उसके अलावा फेंस यानी जो तारबंदी टाइप का होता है और गेट देखने को मिलता है, ये पेगोडा बना होता है जो जैपनीज गार्डन का एक मुख्य फीचर है। तो जैपनीज गार्डन में सबसे जो इंपॉर्टेंट फीचर में आता है एक तो वॉटर आता है, दूसरा स्टोन आता है जो एक तरह से एक मैसेज भी देता है कि सॉफ्टनेस और हार्डनेस है दोनों आपस में मिलते हैं। और उसके अलावा जो पेगोडा बना होता है वो भी जैपनीज गार्डन का ही एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो ये जैपनीज गार्डन के जो फीचर है वो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके अलावा अपने बात करें की फीचर ऑफ जैपनीज गार्डन, की फीचर क्या है, दे आर द नेचर रिक्रिएट इन मिनिएचर, मतलब ये क्या करते हैं जो नेचर होते हैं उसको सूक्ष्म चीजों में क्रिएट करते हैं। दूसरा दे एड ए पर्सन टू मेडिटेट द पीसफुली, मतलब जो व्यक्ति है वो एक मतलब ध्यान लगाता है कौन से शांत वातावरण के अंदर। कलरफुल जो लीव्स होते हैं फ्लावर्स होते हैं उनको अवॉइड किया जाता है क्योंकि ये ध्यान भटकाते हैं। और जैपनीज गार्डन है वो सारे के सारे इनफॉर्मल गार्डन है यानी अनौपचारिक शैली के गार्डन माने जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें टाइप ऑफ जैपनीज गार्डन, तो जनरली आजकल आप देखोगे तो 7 तरह के जैपनीज गार्डन देखने को मिलते हैं।
जिसमें से अपनी बात करें, पहला है पॉन्ड गार्डन, दूसरा है पैराडाइज गार्डन, तीसरा है हेरिमिटेज गार्डन, चौथा है ड्राई रॉक गार्डन और जेन गार्डन जिसको बोलते हैं, पांचवा है टी गार्डन, छठा है परमेंद और स्ट्रॉल गार्डन और सातवां है वो है कोर्टयार्ड गार्डन। ये सात टाइप के गार्डन देखने को मिलते हैं जापानीज गार्डन में। अब इन एक एक का अपने थोड़ा मोटा मोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करें पॉम गार्डन। देखो पॉम गार्डन होता है उसको अपने बोल देते हैं लेक स्प्रिंग बॉट एक्यूरिजन गार्डन, और ये सबसे पहले मतलब देखने को मिला था हेनियन जो पीरियड था उसके दौरान देखने को मिला था। इसका जो मेन एलिमेंट होता है, एक तो झील होती है, एक आइसलैंड होता है। देखो यहाँ पे रेजिडेंस है या कोई बिल्डिंग बनी हुई है, उसके पास एक लेक होगी, उसके अंदर आइसलैंड बना हुआ होगा। और ये हेयान पीरियड है उसके दौरान ये गार्डन काफी फेमस हुए थे। और अगर इस तरह के गार्डन अपने देखें तो हियान जिंगू, ये कोयाटो के अंदर गार्डन देखने को मिलता है, ये काफी फेमस गार्डन है। नेक्स्ट है पैराडाइज गार्डन। देखो पैराडाइज गार्डन है, ये भी हेयान पीरियड के समय मतलब पॉपुलर हुए थे। इसमें क्या होता है कि प्योरलैंड को जापानीज भाषा में बोलते हैं जोडो। इसमें क्या होता है कि झील बनी होती है और झील के बाद एक बना होता है बड़ा सारा होल जिसको अपने बुद्धा होल कहा जाता है, जहां पर मेडिटेशन वगैरह किया जाता है। तो देखो ये फेमस गार्डन आपको देखने को मिलेंगे जैसे टेम्पल इन हुजी नियर कोयाटो के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। इसके जो मेन एलिमेंट्स है वो है, एक तो है लेक, उसके अंदर होता है आइसलैंड जिसको अपने बोलते हैं नेकाजीमिया। तो ये नेकाजीमिया बना होता है, लेक होता है, उसके अंदर आइसलैंड होता है। एक बुद्धा होल बना होता है जिसके अंदर बैठ के मेडिटेशन किया जाता है, और उसके अलावा आर्चिंग ब्रिज होता है जिसके जरिए बुद्धा होल तक पहुंचा जाता है। ये इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये पैराडाइज गार्डन है। हेरिमिटेज गार्डन, देखो हेरिमिटेज गार्डन है वो क्या है, ये एक छोटा गार्डन होता है, और जैसे ये बना होता है गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह जो होते हैं वहां पे छोटा गार्डन होता है। तो इसमें क्या होता है, जो सैमुराई जो होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग जो होते हैं मतलब काम से रिटायरमेंट चाहते हैं, और वो इस एरिया में आकर कुछ मेडिटेशन कुछ शांति चाहते हैं, उनके लिए जो गार्डन बना होता है उसको हेरिमिटेज गार्डन कहा जाता है। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं ट्रेडिशनल गार्डन फीचर, उसके अलावा रस्टिक हाउस बना हुआ होता है, उसके अलावा विंडिंग पाथ बना होता है, विंडिंग ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पाथ बना होता है। कई जगह फॉरेस्ट एरिया के अंदर इस तरह के गार्डन बनाए जाते हैं जहां पर आदमी मतलब कार्य से बहुत ज्यादा मतलब बीचीनेस से निकल के और एक शांति की तरफ लौटता है। जनरली आपको इस तरह के गार्डन, जैसे फेमस गार्डन की बात करूं तो सी सेंडू जो गार्डन है ये कोयटो के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट अगले गार्डन की मैं बात करूं तो ड्राई रॉक गार्डन या फिर जेन गार्डन जिसको बोला जाता है, इसमें व्हाइट सैंड होती है और उसके अलावा जो बजरी होती है वो इसमें देखने को मिलती है। ये देखिए आप, इसमें व्हाइट सैंड है, उसके अलावा बजरी है, उसके अलावा जैसे इसमें पत्थर वगैरह स्टोन वगैरह देखने को मिलते हैं। देखो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है इसका रोयांजी टेम्पल इन कोयटो के अंदर देखने को मिलता है। फीचर की बात करें, दिस गार्डन हैव द व्हाइट सैंड रेड ग्रेवल इन प्लेस ऑफ वाटर, पानी की जगह अपने इस यहाँ पर वाइट जो सैंड होती है वो काम में ली जाती है, और केयरफुली इनको अरेंज किया जाता है, और इसके अंदर जैसे पत्थर के टुकड़े वगैरह है वो रखे जाते हैं, इस तरह से ये डिजाइन किया जाता है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें टी गार्डन। देखो जापानीज जो है लोग हैं उनके अंदर एक टी सेरेमनी होती है वो काफी पॉपुलर होती है। तो गार्डन के अंदर टी जो सेरेमनी होती है वो मतलब एक बनाने के लिए टी सेरेमनी करने के लिए गार्डन बना होता है जिसको टी गार्डन कहा जाता है। इसके अंदर देखो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक तो होता है क्वार्टर गार्डन, गेट, कवर्ड आर्बर, उसके अलावा इनर गार्डन, फिर मोस्ट एंड ग्रीन पथवे। देखो इसके अंदर क्या होता है, जो आउटर गार्डन होता है गेट के पास जो आर्बर बना होता है वहां पे लोग आके बैठ जाते हैं, वेट करते हैं अंदर आने के इनविटेशन के। फिर वो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पानी होता है, उस पानी के अंदर अपने हाथ मुंह धोते हैं या कुल्ला वुल्ला करते हैं उससे मतलब वो करके, फिर ये जैसे स्टोन का पाथ बना होता है इसके जरिए अंदर आते हैं, और अंदर क्या होता है सिटिंग होती है उसके अंदर बैठ जाते हैं, वहां पर टी सेरेमनी होती है। और इसके अंदर मतलब कोई फ्लावर व्लावर वगैरह नहीं होते हैं, सीधे अपने मतलब प्लांट्स वगैरह होते हैं, चुपचाप चाय पी जाती है और उसका आनंद लिया जाता है, एक तरह से मेडिटेशन किया जाता है।
तो ये टी सर्मनी के लिए बना होता है, टी गार्डन काफी पॉपुलर होता है ये। अगला जो गार्डन है वो है प्रोमेंट गार्डन। प्रोमेंट गार्डन में क्या होता है, जैसे लेक बनी होती है, लेक में आइसलैंड बना होता है, और आइसलैंड के चारों ओर क्या होता है, पाथ बना होता है, उस पाथ पे अपने क्लॉकवाइज जैसे घूमते हैं, बड़े ध्यान से घूमा जाता है। और इसके जैसे इस तरह के जो गार्डन है वो है जैसे कटसुरा इंपीरियल विला बना हुआ है, उसके अलावा जैसे मोंटोलू चाइना के अंदर बना हुआ है, उसके अलावा कोरेकू इन गार्डन है वो टोक्यो के अंदर बना हुआ है। तो परमानेंट गार्डन कुछ फेमस गार्डन है वो आपने मैंने यहाँ पे आपको बताया, तो ये परमानेंट गार्डन है। नेक्स्ट है कोर्टयार्ड गार्डन। देखो कोर्टयार्ड गार्डन भी हियान पीरियड के समय काफी पॉपुलर हुए थे, और इसके जो मेन एलिमेंट्स है वो स्टोन लेंटरल, वाटर बेसिन, स्टिपिंग स्टोन और प्लांट्स होते हैं। इसके अंदर छोटा गार्डन होता है, एंट्री अलाउ नहीं होती, सिर्फ देखने के लिए होता है, और कुछ घरों में बैकयार्ड में या पीछे की तरफ ये बना हुआ होता है। ये म्योजी पीरियड जो था उसके समय भी काफी बने हुए हैं, और इसका एक पॉपुलर जो गार्डन है मुरायन एंड है वो क्वेटियो के अंदर बना हुआ है। तो ये कोर्टयार्ड गार्डन, ये सात तरह के गार्डन है वो जैपनीज टाइप गार्डन है। और कुछ जैपनीज जो फेमस गार्डन है अगर अपने बात करें तो जैसे टन्यूरजी गार्डन कयोटो के अंदर है, ये 14वीं शताब्दी में बना था। उसके अलावा क्रेकू एन ये है ओकायामा में, ये 17वीं शताब्दी के अंदर बना था। उसके बाद में बात करूं तो है ये एडाची म्यूजियम ऑफ आर्ट गार्डन, ये बना हुआ है यासुंगाई के अंदर, ये 20वीं शताब्दी में बना था। उसके अलावा एस्पिसिय जापानीज गार्डन सुईजेन जी जोई, ये है अपने केमोटो कैस्टल के अंदर देखने को मिलता है। तो ये कुछ फेमस जैपनीज गार्डन है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, अपने स्पेशल फीचर के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट अब इटालियन गार्डन या रोमन गार्डन। देखो जो रोमन थे इन्होंने मतलब ये यूरोप में पहुंच गए, यूरोप में इन्होंने अपना राज किया, वहां पे ये देखो सेकंड और फर्स्ट सेंचुरी की अगर अपने बात करें तो वहां पे उस समय रोमन जो थे उनका ही राज था। और उस समय रोमन इतने मतलब मजबूत हो गए थे क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व को एक तरह से जीत लिया था, तो इनके पास कोई धन वन की कमी नहीं थी, और इन्होंने अपने घर बहुत ही शानदार बनाए थे, बहुत ही आलीशान बनाए थे, इनके पास सब तरह के सुख सुविधाएं और धन की किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। तो इटली के अंदर जो इनके बने हुए थे इटली के अंदर इनके जो आवास वगैरह बने हुए थे वो बहुत ही शानदार बने हुए थे, और इनके पास जो गार्डन बने हुए थे वो बड़े आलीशान इन्होंने गार्डन तैयार किए थे। अब ये क्या है कि इन्होंने जो गार्डन था उसके अंदर जो ट्रेस वगैरह बनाए, उसके अंदर मार्बल वगैरह लगाए, और जो छत थी मतलब उसके अंदर भी मार्बल वगैरह इन्होंने लगाना शुरू किया। उसके अलावा जैसे गार्डन है उसके अंदर फाउंटेन है, पुल है, एलीज है, उसके अलावा जैसे कुछ मूर्तियां वगैरह है, एज जो होती है कैनोर जो मतलब जिसको अपने हर्बेशियस बॉर्डर के रूप में लगाते हैं तो उसको अपने एज बोलते हैं। उसके अलावा इन्होंने अपने जो गार्डन थे उसमें वॉलनट वगैरह केशिया वगैरह भी लगाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके अलावा मतलब ये अपने जो बिल्डिंग होती थी आवास होती थी वहां पर ये प्लेजर गार्डन बनाते थे। तो ये मतलब लग्जरी गार्डन, इनसे लग्जरी गार्डन पूरी दुनिया में कहीं नहीं थे इस टाइम तक। तो ये मतलब पूरे जो लग्जरी, क्योंकि इनके घर भी लग्जरी बने हुए थे और इनके जो गार्डन थे वो भी काफी लग्जरी बने हुए थे। तो ये आप देखोगे उस समय का जो इटालियन गार्डन है जिसको अपने रोमन गार्डन बोलते हैं, तो ये एक रोमन गार्डन का आप देख सकते हो, ये रोमन गार्डन उस टाइम का बना हुआ है, काफी लग्जरी गार्डन रहता था। अब देखो अपने कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे किंग सोलेमन साहब, तो इनके समय में जैसे इनके गार्डन में ऑर्चार्ड, अरब गार्डन, वाइन यार्ड और प्लेजर ग्राउंड बने थे। उसके अलावा किंग जो आहुगुरस है उसका जो गार्डन था वो काफी मतलब कॉस्टली था, इनके जो दीवान बने थे वो मतलब सोने और चांदी की जो परतें हैं उनसे चढ़कर बने हुए थे। उसके अलावा इन्होंने जैसे कुछ हैंगिंग जैसे वाइट ग्रीन ब्लू जो मतलब लिंट धागे थे उनसे लटके हुए भी मतलब ऐसे कुछ गार्डन इन्होंने डिजाइन दी थी। उसके अलावा जैसे जो पिलर वगैरह थे उन पर सिल्वर रिंग वगैरह चढ़ी हुई थी, कुल मिला के बहुत ज्यादा लग्जरी और बहुत ज्यादा कॉस्टली इनके गार्डन बने हुए थे। और देखो जहां जहां पर ये रोम जहां जहां पर इन्होंने राज किया वहां पर सब जगह से जो इनको अच्छी आर्ट लगी, जो आर्ट भाई जो प्लांट इनको अच्छे लगे वो सारे के सारे इन्होंने अपने गार्डन के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। नेक्स्ट है अपने मिडवेल गार्डन। देखो मिडवेल गार्डन क्या था कि रोमन है वो हार चुके थे
अब रोमन का मतलब पतन हो गया था, और रोमन के पतन होने के बाद जो गार्डन है उनकी भी लग्जरीनेस खत्म होने लग गई, और जो साधु संत थे बस वो मतलब पेड़ वगैरह लगाते थे या अपनी जरूरत के लिए कुछ पौधे गार्डन के अंदर लगाते थे। अब गार्डन के अंदर वो चीजें नहीं बची जो रोमन के टाइम में देखने को मिलती थी। तो मेडिवियल जो गार्डन है उनके अगर आप पिक्चर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, जनरली इनको एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ये मिडविलियन गार्डन है ना, ये काफी छोटे हो गए, काफी बड़े भी नहीं रहे, काफी लग्जरी भी नहीं रहे। यहाँ पे फ्लावर बेड वगैरह है वो सिमट गए, सिर्फ यहाँ पे जरूरत के जैसे फ्रूट ट्री वगैरह है उनको लगाया जाने लगा था। नेक्स्ट है रेनेसेंस गार्डन ऑफ इटली। अब देखो रोमन चले गए एक बार, गार्डन है वो गर्त में चले गए एक तरह से, उसके बाद वापस से क्या उनका पुनरुद्धार होना स्टार्ट हुआ और गार्डन में कुछ इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ, फ्लावरिंग बेड वगैरह उसमें आने लगी, कुछ थोड़ा उसमें लग्जरीनेस आने लगा, कुछ उसमें मेडिसिनल प्लांट वगैरह भी इंट्रोड्यूस किए जाने लगे। तो इसके भी अगर आप फीचर पढ़ना चाहते हैं तो इस स्लाइड से पढ़ सकते हैं, ज्यादातर ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आप देख सकते हो ये रेनेसेंस गार्डन है, ये काफी मतलब शानदार गार्डन है। एक बार जैसे रोमन चले गए, रोमन जैसे रोमन का पतन हुआ उसके बाद एक बार गार्डन है वो थोड़े डाउन चले गए, फिर रेनेसेंस जो है वो आए तब उन्होंने गार्डन को फिर से एक शानदार रूप दिया। आप देख सकते हो ये कितना शानदार गार्डन है, तो ये रेनेसेंस गार्डन है। नेक्स्ट अपने बात करें अब फ्रेंच गार्डन की। देखो रोमन्स गए तो जो गार्डनिंग है वो थोड़ी गर्त में गई, गार्डनिंग के जो डिजाइन है वो इतने शानदार नहीं, लेकिन जब वापस रेनेसेंस आए तो उन्होंने गार्डनिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट किया और गार्डनिंग को एक मतलब शानदार मुकाम पर ले जाने की कोशिश की। उसके बाद जो फ्रेंच गार्डन है उन्होंने जो मतलब डिजाइनिंग है डेकोरेशन है उसको और इंक्रीज किया और शानदार किया है ना, और जो कलर्ड फ्लावर्स है वो और नए नए कलर ऑफ फ्लावर्स आए यहाँ पे, और बहुत सारे प्लांट है वो भी इंट्रोड्यूस हुए। तो फ्रेंच गार्डन जो थे वो पूरे के पूरे फॉर्मल टाइप के गार्डन थे, इनमें पूरे का पूरा बैलेंस रखा गया और जो एरिया लिया गया था वो या तो आयताकार लिया गया या वर्गाकार लिया गया था, और इसके अलावा जियोमेट्रिक डिजाइन वो लिया गया था। देखो अब मैं बात करूं जैसे विला मोडम जो है उन्होंने जो सपना देखा था उससे पहले ही चार्ल्स आठवीं ने और लुइस बारहवीं ने मतलब एक इतना शानदार गार्डनिंग का मतलब गार्डनिंग को महत्व दिया और गार्डनिंग को इस शानदार मुकाम पर पहुंचाया कि जिसको आज भी याद रखा जाता है। अब क्या हुआ धीरे धीरे गार्डनिंग वापस उठने लगा। रोमन के समय गार्डनिंग का एक मतलब गोल्डन टाइम था, उसके बाद है वो जैसे मैं बात करूं कि बीच में जो टाइम आया जिसको अपने मेडिवियल टाइम कहते हैं, मेडिवियल गार्डनिंग कहते हैं, ये काफी मतलब निम्न गुणवत्ता का था, निम्न क्वालिटी की गार्डनिंग थी। तो जो उसके बाद रेनेसेंस जो आए थे उन्होंने गार्डनिंग को ऊपर उठाया और फ्रेंच गार्डन और भी इसने मतलब जो डेकोरेशन है उसको इंक्रीज किया था। अब अपने देखें कि ये फ्रेंच गार्डन है, देखो कितना शानदार टाइप का गार्डन बना हुआ और पूरे का पूरा फॉर्मल टाइप का ये गार्डन होता है और बैलेंस का पूरे का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे ये सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस से दोनों तरफ एक जैसा ही गार्डन देखने को मिलेगा और 100% आपको बैलेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपने बात करें अब जो यूरोपियन गार्डन थे उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री की, थोड़ा सा मतलब कंक्लूजन की बात करें। देखो प्लेजर गार्डन है वो किसकी देन थी, पर्शियन की थी, वो उनकी देन थी। जो ईरान और सेंट्रल एशिया के अंदर उन्होंने प्लेजर गार्डन बनाना शुरू किया था। तो प्लेजर गार्डन आपसे एग्जाम में ये 5-6 लाइनें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लेजर गार्डन है वो किसकी देन थी, तो वो पर्शियन लोगों की देन थी। हमने पहले पढ़े थे इजिप्टियन गार्डन, इजिप्टियन गार्डन के अंदर प्लेजर गार्डन का हमने कहीं डिस्कस नहीं किया। उसके बाद हमने बात की थी पर्शियन गार्डन की, तो पर्शियन जो है उन्होंने ही प्लेजर गार्डन स्टार्ट किए थे। उसके बाद अपने बात करें जो ग्रीक है उन्होंने पर्शियन की कॉपी की, फिर रोमन्स आए उन्होंने ग्रीक की कॉपी की थी, और रोमन्स चले गए उसके बाद गार्डनिंग है उसकी गुणवत्ता क्वालिटी मतलब गिरती रही। उसके बाद जो रेनेसेंस जो आए उन्होंने गार्डनिंग की क्वालिटी को इंक्रीज किया, और फ्रांस है उसके अंदर मतलब गार्डनिंग एक तरह से फली फूली, लेकिन इंग्लैंड में अभी भी गार्डनिंग मतलब ज्यादा आगे नहीं बढ़ी थी। नेक्स्ट है अब इंग्लिश गार्डन। देखो इंग्लिश गार्डन है वैसे तो 14वीं शताब्दी से वहां पर मतलब ब्रिटेन में इंग्लैंड के अंदर गार्डनिंग स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कुछ खास नहीं।
16वीं शताब्दी में कुछ और इंप्रूवमेंट होने लगा, 17वीं शताब्दी में और इंप्रूवमेंट हुआ, 17वीं शताब्दी तक ये फॉर्मल टाइप के थे, लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद इंग्लिश गार्डन पूरी तरह से इनफॉर्मल गार्डन हो गए और वाइल्ड स्टाइल के गार्डन हो गए थे। और 18वीं शताब्दी में जब इंग्लिश गार्डन का जो पैटर्न आया तब ये माना जाने लगा कि यूरोप में इस तरह से इससे सुंदर पहले कभी गार्डन नहीं थे। 18वीं शताब्दी से पहले इंग्लिश गार्डन इतने कोई शानदार नहीं थे, और 18वीं शताब्दी में जो गार्डन तैयार होने लगे वो यूरोप के सबसे बेस्ट गार्डन माने जाते हैं। इंग्लिश गार्डन पे आप इन्फ्लुएंस देखोगे तो क्लूड लोरेन और जो निकोलस पोइसिन जो पेंटर थे उनका काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये देखोगे आप इंग्लिश गार्डन है। अब देखो इंग्लिश गार्डन की कुछ जो अपने इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं बताता हूँ। देखो इंग्लिश गार्डन है वो यूरोप के सबसे सुंदर गार्डन क्यों है? देखो मुगल गार्डन और यूरोपियन गार्डन जो है वो दुनिया के सबसे सुंदर गार्डनों में से गार्डन है। तो देखो यूरोपियन गार्डन है वो यूरोपियन गार्डन में सबसे ज्यादा, इंग्लिश जो गार्डन है वो यूरोपियन गार्डन में सबसे ज्यादा सुंदर होने के पीछे कारण क्या है? एक तो यूके का क्लाइमेट और रेनफॉल यानी वर्षा का वितरण इतना शानदार है कि वहाँ घास के मैदान और जो पेरिनल हर्ब है, बहुवर्षीय जो साग के पौधे हैं वो बहुत बढ़िया सर्वाइव करते हैं। दूसरी चीज ये है कि इस समय तक, 18वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं मैं, इस समय तक अंग्रेज है ये बहुत जगह पर शासन कर रहे थे, तो ये बहुत जगह से मतलब अलग अलग तरह के प्लांट है वो मतलब इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तीसरा इनके पास पैसा बहुत हो चुका था, ये किसी तरह की लग्जरीनेस को अफोर्ड कर सकते थे। और चौथी जो चीज है, जो ब्रिटिश थे वो फ्लावर जो प्लांट है उनके बहुत ज्यादा शौकीन थे, फूलों के बहुत ज्यादा शौकीन थे। ये कारण था कि जो इंग्लैंड के गार्डन है वो यूरोपियन गार्डन में सबसे सुंदर हुए 18वीं शताब्दी के अंदर देखा जाए तो। अब अपनी बात करें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की। देखो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो 14वीं जो सेंचुरी थी उसके अंदर जो मॉन्क्स वगैरह थे, अनुयायी वगैरह थे, वो गार्डनिंग करते थे लेकिन कोई विशेष नहीं, कुछ मेडिसिनल पर्पज के लिए प्लांट लगाते थे, कुछ वो वेजिटेबल्स लगाते थे, कुछ फ्रूट्स प्लांट्स लगाते थे। फिर अपने 16वीं शताब्दी में बात करें तो 16वीं शताब्दी के अंदर धीरे धीरे क्या है, थोड़ा सा गार्डनिंग है वो मतलब सुंदर हुआ, और जैसे ग्रीक जो गार्डन थे उनका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस आया, कुछ एक्जोटिक प्लांट थे यानी जो बाहर दूसरे देशों के प्लांट थे वो भी इंट्रोड्यूस हुए थे, और कुछ गार्डन के अंदर जैसे मूर्ति वगैरह स्टेचू वगैरह है वो भी इंट्रोड्यूस हुए थे, कुछ जो टोपेरी वगैरह है, टोपेरी क्या होती है, जैसे कोई सघन पौधा होता है उसके अंदर कांट छांट करके उसको किसी पक्षी का, किसी जंतु का या किसी वाद्य यंत्र का रूप दे देते हैं तो उसको टोपेरी का, तो धीरे धीरे ये गार्डन के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद देखो अगर अपने बात करें कि जो इंग्लिश गार्डन है उसके की फीचर क्या है, सबसे पहला तो लोन। देखो गार्डन के अंदर लोन है वो इंग्लिश गार्डन की ही देन मानी जाती है। आज के समय में कोई ऐसा गार्डन नहीं है जिसके अंदर लोन नहीं है, सिर्फ एक जापानीज के अंदर सैंड गार्डन को छोड़कर। तो लोन है वो हार्ट ऑफ गार्डन है और बिना लोन के कोई गार्डन कंप्लीट माना ही नहीं जाता है। दूसरा रोकरी। देखो रोकरी क्या होता है, जैसे ये पत्थर वगैरह होते हैं इनके बीच के अंदर अपने प्लांट वगैरह लगाते हैं तो इसको रोकरी कहा जाता है, स्टोन का अरेंजमेंट करके उसके बीच में अपने प्लांट लगाते हैं उसको रोकरी बोलते हैं। ये जो चट्टा पत्थर होते हैं ये क्या करते हैं, मॉइस्चर कंजर्व करते हैं, तो यहाँ प्लांट्स लगाना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि यहाँ मॉइस्चर कंजर्व होते हैं, तो यहाँ पर जनरली वो प्लांट लगते हैं जो चट्टानों की दरारों में आसानी से ग्रो कर जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल की अपने बात करें, जैसे अपने बात करें कोल्ड वेदर रोकरी, इसके अंदर अपने जैसे एनुअल्स लगाते हैं एलाइसम, कैलेंडुला, कैंडिडा डायंथस, एग्रेटम, गिलार्डिया, वर्बीनिया, जीनिया, इस तरह के अपने जो एनुअल्स वो लगाते हैं। उसके अलावा जो सकुलेंट्स होते हैं ड्राई एरिया में वो लगाए जाते हैं, फरन्स होते हैं वो ह्यूमिड एरिया में लगाए जाते हैं, और रोकरी इन द फेनरीज जो होती है वो भी स्पेशल टाइप की रोकरीज रहती है, तो कई तरह की ये रोकरी भी इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। उसके अलावा हर्बेशियस बॉर्डर जो होती है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हर्बेशियस बॉर्डर लगी होती, तो ये इंग्लिश गार्डन के तीन मेन की फीचर है, लॉन, रोकरी और हर्बेशियस बॉर्डर। आपसे पूछ ले कि जो इंग्लिश गार्डन है या जो ब्रिटिश गार्डन है उनके की फीचर लॉन, रोकरी और हर्बेशियस बॉर्डर। उसके अलावा जो फ्लावर बेड है वो भी इंग्लिश गार्डन का मेन फीचर है, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उनको फ्लावर्स का बहुत शौक था और फ्लावर बेड जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो इंग्लिश गार्डन के दौरान ही स्टार्ट हुआ था, तो ये चार इनके मेन फीचर माने जाते हैं। उसके अलावा बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे गार्डन में काफी सारा चेंज भी देखने को मिला। रूम में जो इंग्लिश गार्डन थे या ब्रिटिश गार्डन थे वो फॉर्मल टाइप के थे, 100% बैलेंस था, और जो वाटर बॉडीज वगैरह थी वो आयताकार या वर्गाकार थी,
जो पाथ थे वो सीधे स्ट्रेट थे, लेकिन सर विलियम केंट है उन्होंने गार्डनिंग की परिभाषा कुछ और ही कर दी, फॉर्मल को इनफॉर्मल किया गार्डन को, और जो वाटर बॉडी थी वो वर्गाकार आयताकार की बजाय इरेगुलर शेप की कर दी, पाथ है वो मतलब कर्वेचर कर दिए, उसके अलावा जो क्लिप्ड हेज थी उसकी जगह इंटरनल ग्रुप ऑफ हेज उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसके अलावा गार्डन के अंदर बैलेंस, प्रोपोर्शन, यूनिटी, मूवमेंट, सरप्राइज, स्काईलाइन, रिदम और हारमोनी, इनका पैटर्न चेंज किया कर दिया गया, और जो ट्री लगाते थे उनके जो बेसिन है उसमें बल्बस प्लांट लगाने शुरू कर दिए, लोन आ गए, फ्लावर्स बेड इंट्रोड्यूस हो गए। तो ये डेवलपमेंट ब्रिटिश गार्डन के अंदर देखने को मिला, और इस डेवलपमेंट के बाद जो ब्रिटिश गार्डन थे वो यूरोप के सबसे सुंदर गार्डन थे। अब देखो अपने भारत में जो इम्पोर्टेंट कुछ ब्रिटिश गार्डन है वो है रॉयल एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन, ये कोलकाता के अंदर है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन ये दार्जिलिंग के अंदर है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन ये लखनऊ के अंदर है, लाल बाग बॉटनिकल गार्डन ये बेंगलोर के अंदर है, गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन ओटी के अंदर है, और ब्रेंट पार्क है ये कोडी कैनाल के अंदर है। तो ये इंडिया में कुछ ब्रिटिश जो गार्डन बने हुए हैं, जो मतलब ब्रिटिश जब यहाँ पे रूलिंग कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उस दौरान के बने हुए कुछ इंपॉर्टेंट गार्डन है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ गार्डन की बात की है, और उसके अलावा जैसे कुछ गार्डन जो टाइप ऑफ गार्डन की जब बात आई तो उनके मेन मेन फीचर का भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो ये आज का लेक्चर अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।